हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आयुर्वेद में वर्णित मूत्र रोग यूरिनरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका रेफरेंस है चरक संहिता सिद्धि स्थान अध्याय 9। कुल 13 प्रकार के मूत्र दोष आचार्य चरक ने बताए हैं। उनके नाम है मूत्र उकसाद, मूत्र जठर, मूत्र कृच, मूत्र उत्संग, मूत्र क्षय, मूत्र अतीत, वात अस्थिला, वात बस्ती, उष्णवात, वात कुंडलिका, ग्रंथि, विड़विघात, बस्ती कुंडला। ये कुल 13 प्रकार के बस्ती दोष आचार्य चरक बताते हैं। तो इनको हम बहुत ही विस्तृत रूप से एक एक करके पढ़ेंगे। मूत्र उकसाद। मूत्रोकसाद में रक्तम पीतम घनम सृजेत, यानी रक्त पित्त वर्ण का लाल पीला अथवा गाढ़ा मूत्र का त्याग रोगी करता है। मूत्रोक्षाद में, मूत्रोक्षाद में दोष है पित्त और कफ, और इसकी चिकित्सा जो है वो भी पित्त कफ नाशक चिकित्सा की जाती है। तो लाल रंग के पीले रंग का और गाढ़ा मूत्र का जो त्याग होगा वो मूत्रोक्षाद में होता है। इसको इसमें जो दोष संबंध है वो पित्त और कफ का है, और इसमें चिकित्सा करते हैं पित्त और कफ की। आगे मूत्र जठर। मूत्र जठर में जब कोई रोगी मूत्र का धारण करता है, मूत्र को विधारण करने से वायु जो है वो प्रतिलोम हो जाती है। वायु जब प्रतिलोम हो जाएगी, यानी वायु कौन सी प्रतिलोम होगी, अपान वायु, और अपान वायु को कार्य होता है मूत्र को और विट को निकालना शरीर से। तो जब वह प्रतिलोम हो जाएगी, यानी उसको नीचे निकलना चाहिए और वह प्रतिलोम होकर ऊपर आएगी, तो वह क्या करेगी, ऊपर आकर समान वायु को दूषित करेगी। इससे अपक्ति यानी भोजन सही से पचेगा नहीं, और उसका मेन जो काम होता है अपान वायु का, वो मूत्र और विट को निकालना होता है, तो वह अपना काम नहीं करेगी, यानी मूत्र विट का संग हो जाएगा, यानी मूत्र विट निकलेगा नहीं। तो जब मूत्र को धारण किया जाएगा तो वात जो है वह प्रतिलोम दिशा में जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि अपक्ति यानी भूख नहीं लगेगी, मूत्र और विट जो है उसका संग हो जाएगा, यानी मूत्र और विट का सम्यक गति नहीं होगा, और यह मूत्र ऊपर जा और मूत्र अधिक मात्रा में बनेगा, जिसकी वजह से पूर्यति उदरम मूत्रम, यानी उदर में मूत्र का संचय हो जाएगा। परंतु यह उदर के अंदर मूत्र का संचय कैसे हो सकता है, यह तो बात समझ में नहीं आती। तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि ब्लेडर बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की लक्षण हमें मूत्र जठर में मिलता है। इसमें अनियमित रूप का क्या मतलब है, नियमित मतलब कारण, और अनियमित मतलब बिना कोई कारण, यानी बिना किसी कारण के इसमें दर्द होगा, तो इसको हम कहेंगे मूत्र जठर। और इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, इसकी चिकित्सा करेंगे मूत्र विरेचनी चिकित्सा, और इसमें हिंगी दुरुत्तर जो चूर्ण बताएगा त्रिमर्मीय चिकित्सा स्थान में, उसका प्रयोग करना है मूत्र जठर में। आगे मूत्र कृच। मूत्र कृच के अंदर है कि जब कोई पेशेंट मूत्र के वेग को रोककर व्यवाय में प्रवृत्त होता है, तो उसका जो मूत्र है उसके साथ शुक्र जो है वह भी निकलता है। पहले निकलेगा मूत्र से अथवा मूत्र के पश्चात निकलेगा, इसको कहते हैं मूत्र कृच। जैसे कि ये मान लीजिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हम जानते हैं कि मेल्स के अंदर जो सीमन है और जो मूत्र है, दोनों का जो मार्ग है वो एक ही होता है। तो जब कभी व्यक्ति मूत्र के वेग को रोककर मैथुन कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, तो यह जो यहाँ पर सीमन है, वह सीमन या इसको इस रास्ते से आना चाहिए, तो इस रास्ते से ना होकर ये ब्लेडर के अंदर चला गया, तो इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। तब यह जब सीमन यहाँ से निकल कर ब्लेडर में आ गया, तो वो ब्लेडर में आ गया, ब्लेडर और यूरिन मिक्स हो गए, तो जब यूरिन पास करेगा पेशेंट, तो यूरिन विद सीमन निकलेगा। तो इसको हम समझ सकते हैं कि मूत्र कृच, यहाँ पे मूत्र कृच इन्होंने ये बोला है, जबकि सुश्रुत ने मूत्र कृच की जगह मूत्र शुक्र बोला है व्याधि। आगे मूत्र संग। मूत्र संग में क्या है कि वायु खवैगुण्य होने के कारण वायु जो है वह मूत्र प्रदेश में प्रकुपित हो जाएगी, और मूत्र क्योंकि निदान सेवन किया किसी पेशेंट ने और खवैगुण्य ऑलरेडी है, तो वायु जो है प्रकुपित हो जाएगी। तो इसके कारण जो जब कभी पेशेंट मूत्र त्याग करता है, तो पूर्ण रूप से मूत्र का त्याग नहीं करेगा, थोड़ा सा मूत्र उसके मणि संधि में इकट्ठा रहेगा। तो जब पेशेंट जाएगा मूत्र त्याग करने, तो थोड़ा मूत्र निकलेगा और थोड़ा मूत्र उसके मूत्र मणि के संधि में रुक जाएगा, और रुजा के साथ वह मूत्र निकलेगा बाद में दोबारा से। और जब मूत्र जमा हो जाएगा मणि संधि में, तो जो सेफ है
वहां थोड़ा उसमें गुरुता होगी, यानी थोड़ा। तो इसमें इस वाले कंडीशन में क्या पेशेंट कंप्लेन करेगा, इसमें कंप्लेन करेगा पेशेंट कि यूरिन पास करने जब मैं जाता हूँ तो मेरा यूरिन पास होता है, लेकिन थोड़ा सा यूरिन यूरिन मेरा ब्लेडर में रुक जाता है और वह थोड़े देर बाद निकलता है। तो यह मूत्र संघ के लक्षण है। आगे मूत्र क्षय। मूत्र क्षय में वात की वात जो है वो निदान सेवन से वात प्रकुपित होगा और उसकी वजह से वात प्रकुपित होकर मूत्र को सुखा देता है। इसको कहते हैं मूत्र क्षय। मूत्र क्षय क्या हो सकता है? मूत्र क्षय दो कंडीशन, मतलब इसमें डिहाइड्रेशन में भी मिल सकता है अथवा एन्यूरिया में भी मिल सकता है। आगे मूत्र अतीत। मूत्र अतीत बहुत कॉमनली सब लोग को, मुझे लगता है कि सभी लोगों ने खुद अपने जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि चिरम धारयते मूत्रम त्वरया न प्रवर्तते। मतलब अगर कोई व्यक्ति मूत्र का धारण करता है बहुत देर तक और फिर वह बाद में जाता है यूरिन पास करने के लिए, तो उसको यूरिन तुरंत पास नहीं होता है। तो चिरम धारयते मतलब बहुत देर से धारण किया, मूत्रम त्वरया न प्रवर्तते मतलब तुरंत नहीं निकलेगा, तो इसको कहते हैं मूत्र अतीत। आगे है अस्थिला। अस्थिला जो है इसमें क्या होता है कि वायु जो है वह प्रकुपित होकर अधमान उत्पन्न करती है, अधमान उत्पन्न करेगी और मूत्र वीण का मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगी। वायु प्रकुपित होगी तो पेट में अधमान उत्पन्न करेगी और मूत्र जो है और वीण मतलब पुरीष, इन दोनों के मार्ग का अवरोध करेगी जिससे मूत्र और वीण नहीं निकलेंगे। और इसमें तीव्र अर्ति, तीव्र अर्ति मतलब बहुत ज्यादा पेन होगा इसके अंदर। तो अस्थिला जो है उसमें वायु कुपित होकर अधमान उत्पन्न करती है और मूत्र वीण का मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा और तीव्र अर्थी होगा मतलब तेज दर्द होगा। तो ये लक्षण जो है वात अस्थिला में हमें मिलता है। आगे जो है वात बस्ती। वात बस्ती में जब वायु, जब कोई रोगी मूत्र का धारण करता है यानी मतलब मूत्र के वेग को रोकता है तो वायु जो है प्रकुपित होगी। वायु प्रकुपित होकर मूत्र में अवरोध मतलब मूत्र का अवरोध उत्पन्न होगा और अर्ति कंडू, अर्ति मतलब वेदना और कंडू मतलब खुजली। तो मूत्र का अवरोध, अर्ति मतलब वेदना और कंडू, ये तीन लक्षण हमें मिलेंगे वात वस्ती में। ठीक है, इसका निदान क्या है? मूत्रम धारयेत मतलब मूत्र को जो व्यक्ति मूत्र वेग का धारण करेगा। इसमें दोष क्या है? वायु है। आगे उष्णवात। उष्णवात में रक्त पीत, रेड और पीले कलर का यूरिन पास होता है और यही रेड और येलो कलर का जो यूरिन पास होता है वो मूत्रोक्षाद में भी होता है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये उष्णवात है या मूत्रोक्षाद है? तो उष्णवात में जो है बस्ती है और उपस्थ है उसमें भी दाह होगा, लेकिन ऐसा लक्षण हमें मूत्रोक्षाद में नहीं मिलता है। तो अगर रक्त पीत वर्ण का मूत्र त्याग हो रहा है और साथ में बस्ती और उपस्थ में दाह है तो यह पेशेंट उष्णवात का है। आगे देखते हैं वात कुंडलिका। वात कुंडलिका में गति संग उदावृत्त सह मूत्र स्थान मार्गयो, यानी मीनिंग है कि जब किसी भी कारण के वजह से वायु जब मतलब प्रकुपित होगी मूत्र को धारण करने की वजह से, तो वह वायु प्रकुपित होकर भग्न व्यविद और कुंडली मतलब भग्न मतलब भागने के समान, मतलब ऐसे जैसे टूटने की जैसा वेदना होती है, व्यविद मतलब चुभाने के समान जो वेदना होती है, और कुंडली मतलब कुंडली के समान मूत्र जो मूत्राशय है वह जो है कुंडली के समान हो जाएगी, मतलब उसका जो शेप है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह के लक्षण हमें वात कुंडलिका में मिलता है। तो भग्न व्यविद और कुंडली के समान, और इसके अंदर और भी जो लक्षण है जैसे स्तंभ है ना, गौरव है, वेष्टन, ये सब लक्षण, और साथ में तीव्र रुख, ज्यादा वेदना होगी, मूत्रवीट संग होगा, मूत्रवीट मतलब मूत्र और वीट का भी संग होगा। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि भग्न व्यविद कुंडली के समान वेदना हो रही है और तीव्र रुक मूत्रवीट संग हो रहा है, यह वात कुंडलिका में हमें देखने को मिलता है। आगे देखें रक्त ग्रंथि। रक्त ग्रंथि में जब रक्त वात और कफ से दुष्ट हो जाएगा, यानी कि इसको हम ये मान सकते हैं कि जब रक्त है ब्लीडिंग हुई अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो वायु जो है और कफ दोनों मिल के उसको रक्त को वात जो है सुखा देगा और कफ की वजह से ग्रंथि बन जाएगी रक्त की। तो ये जो है रक्त की ग्रंथि बस्ती के द्वार में जब चला जाएगा तो क्या करेगा? कृच्छेण मतलब कृचता पूर्वक मूत्र को मूत्र निकलेगा, क्योंकि भाई वहां पे
जो ब्लड है वो क्लोटेड पड़ा हुआ है, क्लोटेड ब्लड वहां पे पड़ा है, और उसकी उसमें कैसा सूल होगा, अस्मरी के समान, मतलब पथरी के समान उसमें सूल होगा। इसको कहते हैं हम रक्त ग्रंथि। इसको हम ये मान सकते हैं जैसे ग्रावेल होता है, ग्रेवल है ना, सरकरा जिसको कहते हैं, सरकरा रोग यानी। और यह हो सकता है कि कभी ब्लैडर में क्लोटेड ब्लड पड़ा हो, कभी अस्मरी निकलती है तो रास्ते में इंजरी होने की वजह से ब्लड निकलता है, और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में वही ब्लड अगर क्लोट होकर उसका कोई गांठ बन गया तो उसकी वजह से दर्द हो सकता है अस्मरी के समान। तो इसमें इंपॉर्टेंट है अस्मरी के समान सूल होता है, और इसमें वात, कफ और रक्त ये तीनों मिलकर यह रोग उत्पन्न करते हैं। आगे है विड़ विघात। विड़ विघात जो है ये इसका पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रुक्ष और दुर्बल व्यक्ति में ही उत्पन्न होता है, और इसके अंदर ये बताया है कि मूत्र स्रोतम, मूत्र के स्रोत से मतलब मूत्र वाले मार्ग से विट से संश्लिष्ट मूत्र का त्याग करना। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मूत्र में जो है वह विट चला जाएगा, नहीं, मतलब इसमें ये लिखा है कि मूत्र जो है वह विट के साथ निकलेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि विट के साथ मूत्र निकलेगा। इसको हमें यह समझना चाहिए कि जो यूरिन आएगा ना उसमें स्टूल की तरह फाउल स्मेल आएगा, और ये किस कंडीशन में आ सकता है, जब पेशेंट कचेक्सिक होगा, यानी जब कोई पेशेंट पेशेंट जो है उसको बहुत ज्यादा क्रोनिक डिसऑर्डर होगी और किडनी फंक्शन बिल्कुल डिरेंज्ड होगा, और शरीर के अंदर जो है टॉक्सिन्स एकुमुलेट हो रहे हैं, और वही टॉक्सिन्स जब यूरिन के थ्रू निकलेंगे तो उसमें स्टूल की तरह स्मेल आएगा, है ना। और बोला भी एक रुक्ष दुर्बल पुरुष, तो जो विड़ विघात है उसमें मूत्र जो है वह विट के संश्लिष्ट, ऐसे याद कर लेते हैं कि विट के संश्लिष्ट विड़ गंध और पुरुष के गंध के समान मूत्र निकलता है, उसको कहेंगे विड़ विघात। आगे जो है बस्ती कुंडल। बस्ती कुंडल जो है ना वह थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से देखते हैं। इसके जितने भी निदान बताए हैं ना, जैसे द्रुत है ना, द्रुताध्वा मतलब तेजी से दौड़ना, लंघन करना, आयास है ना, अभिघात, ये जितने भी निदान बताए ना सारे के सारे आगंतुक निदान है। तो मतलब किसी भी तरह से अभिघात, चोट वोट लग जाने के कारण जो बस्ती है ना वो अपने स्थान से निकल जाती है। स्व स्थानाद बस्ती उद्वृतम, मतलब अपने स्थान से बस्ती हट गई, मतलब कहने का मतलब है कि ब्लेडर का डिस्प्लेसमेंट होगा किसी तरीके से। तो जब ब्लेडर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो हमें फील होगा गर्भ के समान। तो गर्भ के समान किस मूत्र दोष के अंदर बस्ती मिल रही है, तो बस्ती कुंडल के अंदर, इंपॉर्टेंट है। और बिंदु बिंदु स्रवती अपि, और ड्रॉप बाय ड्रॉप करके यूरिन आएगा, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन किस में आएगा, बस्ती कुंडल में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसमें ना इसमें इसको शस्त्र और विष के समान कठिन इसको बोला है इस रोग को। और इसमें पवन प्रबल, पवन प्रबल मतलब वात दोष प्रधानता से होती है, और प्रायः यह दुर्निवार है। दुर्निवार मतलब इसकी चिकित्सा नहीं होती है, अबुद्धि लोग जिसको बुद्धि नहीं है वो लोग इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। और मुख्य रूप से इसमें जो है पवन दोष यानी वायु से होती है। जब यह पित्त से युक्त होगा तो इसमें दाह शूल और मूत्र का विवर्णता होगी, लेकिन जब यह कफ से संश्लिष्ट होगा तो इसमें गुरुता शोफ और स्निग्ध मूत्र का त्याग होगा। ये सब ध्यान रखना है अपने आपको, ठीक है। तो ये जो है बताया हमने बस्ती कुंडल के बारे में, बहुत संक्षेप में हमने थोड़ा बहुत जाना है। इसको अच्छे से समझने के लिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए हमने छोटा सा इसको वीडियो बनाया है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन। अच्छा, इसमें ना मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी डिसऑर्डर के बारे में बताया है कि इसमें 200 के अधिक के आधार पर हमें इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, मूत्र कृमिनाशक चिकित्सा करनी चाहिए, और उत्तर बस्ती का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट यूरिनरी डिसऑर्डर, बस्ती दोष के बारे में हमने सब पढ़ लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।